हेलो एवरीवन, आई एम प्रोफेसर प्रवीण पाटिल। आज के वीडियो में हम लोग कॉस्ट के प्रैक्टिकल करेंगे आर टूल्स में। प्रीवियस लेक्चर में हमने 3 प्रैक्टिकल्स कंप्लीट कर चुके हैं। आगे वाले प्रैक्टिकल्स हम लोग इस लेक्चर में कंडक्ट करेंगे। ओके, तो प्रैक्टिकल लिस्ट मेरे पास है, मैं प्रैक्टिकल लिस्ट एक बार आपको दिखा देता हूँ। उसमें से हमने 3 प्रैक्टिकल्स हमने कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, आगे वाले 4 से लेकर हम लोग आगे वाले जितने भी रहेंगे 10th प्रैक्टिकल्स है वो हम लोग परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट प्रैक्टिकल देखो, फोर्थ वाला प्रैक्टिकल क्या है, द फंक्शन गिव्स द कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। एक प्रोबेबिलिटी इवेंट है, प्रोबेबिलिटी निकालना है उसका। तो हम लोग हमारे पास यहाँ पे उसका कोड है, उस कोड को हम लोग कॉपी करेंगे, देन कॉपी पेस्ट। ओके, तो उसका जो आंसर है क्या मिला, 0.610116। ओके, तो प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल 2651 0.5 का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना आता है, कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी कितना आता है, 0.610116। ओके, ये हो गया आपका प्रैक्टिकल नंबर 4। अब प्रैक्टिकल नंबर 5 को हम लोग रन करके देखेंगे। प्रैक्टिकल 5 क्या है, द फंक्शन टेक्स द प्रोबेबिलिटी वैल्यू एंड देन गिव्स अ नंबर हुज कम्युलेटिव, ओके, देन नेक्स्ट वैल्यू मैचेस द प्रोबेबिलिटी वैल्यूज। ओके, आर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है 8151/2। इसका आंसर हम लोग चेक करेंगे कितना आता है, कंट्रोल सी कंट्रोल पे। ओके, तो इसका आंसर आता है 85 70 62 77 77 72 77 72। एक कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का ये रेंज है उसका। ओके, देन नेक्स्ट प्रैक्टिकल नंबर 6 फिर से वही प्रैक्टिकल है, वही सेम प्रैक्टिकल लेकिन वैल्यू चेंज है। ओके, तो प्रैक्टिकल नंबर 7 हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे क्या है देखो, आर एग्जीक्यूट करना है आपको कमांड से, एरे लिस्ट है और फ्रेम्स है। ओके, तो फर्स्ट हम लोग स्ट्रिंग को क्या करेंगे, पुटअप करके देखेंगे, इंसर्ट करके देखेंगे प्रिंट होता है कि नहीं होता, हैलो वर्ड। ओके, कंट्रोल सी किया हमने, कमांड देके चेक करेंगे। मैंने कमांड दिया यहाँ पे प्रिंट हैलो का, सॉरी हैलो वर्ड का, एंटर मार देंगे तो हैलो वर्ड प्रिंट होके आ गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, 2 नंबर्स ऐड करके देखेंगे कि एग्जीक्यूट होता है या कोड या नहीं होता है। ओके, कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल वी कर देंगे और उसका ऐड कर देंगे। तो उसका एडिशन देखो, 20+30 मैंने 20+10 लिया तो उसका आंसर मिला 30। ओके, नेक्स्ट प्रैक्टिकल है हमारा वेक्टर्स डिफरेंट लेंथ। ओके, वेक्टर्स यहाँ पे यूज करेंगे v1 v2 और उसका रिजल्ट हम लोग देखेंगे एरे में क्या लिस्ट, एरे जो हमारा लिस्ट के एरे से उसको डिटरमाइन करके हम लोग रिजल्ट देखेंगे। ओके, यहाँ पे मेरा पास एरे है, उसको कॉपी करता हूँ मैं, कंट्रोल वी करके, ये देखो उसका आउटपुट मिल गया, 1 1 2 3 5 10 13 9 11 14 3 12 15। ओके, इसका जो एलिमेंट था वो एलिमेंट एरो मैट्रिक्स फॉर्म में यहाँ पे इंसर्ट हुआ। नेक्स्ट होगा 8 प्रैक्टिकल है हमारा, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन आपको परफॉर्म करना है और वेरियंस आपको निकालना है। तो यहाँ पे गिवन वैल्यूज है हम लोग की, एक्स दैट इज वैल्यूज हम लोग ले लेंगे और उसका वेरियंस फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो देखो फर्स्ट वैल्यूज लिए 4 5 6, वी वन वेरियंस एक्स, प्रिंट करेंगे v1 मतलब वेरियंस एक्स का फंक्शन यूज किया है तो इसका वेरियंस आया 169.1667। ओके, वेरियंस डिफाइन किया, अभी स्टैंडर्ड डिविएशन उसका फाइंड आउट करेंगे। तो स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए हम लोग सी डिफाइन करेंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे, पुटअप करेंगे। तो एस डी दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स, प्रिंट सी करेंगे तो उसका स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाएगा 13.00641। ओके, नेक्स्ट प्रैक्टिकल देखेंगे, 9 प्रैक्टिकल, लोअर टेल टेस्ट परफॉर्म करेंगे हम लोग वेरियंस के साथ। ओके, तो यहाँ पे जो कोड दिया है उसको कॉपी करो, ओके, देन पेस्ट कर दो। ओके, तो इसका जो आंसर है यहाँ पे आ जाएगा 1.699127, दैट इज अ टेल, यहाँ पे फाइंड आउट किया हमने 1.69। ओके, नेक्स्ट प्रैक्टिकल देखो, अपर टेल करेंगे, अब यहाँ पे लोअर टेल किया था हमने, अभी करेंगे अपर टेल। सेम फॉर्मूला है, सेम फंक्शन है, सेम प्रैक्टिकल है, कॉपी पेस्ट करेंगे। ओके, इसका आंसर मिल गया प्रिंट जेड करके हमने वैल्यू निकाला 2.3323। ओके, नेक्स्ट सिग्मा उसका निकालेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ओके, तो इसका आंसर मिला 1.6448। ओके, ये प्रैक्टिकल्स हमने इस लेक्चर में 4 से लेके 10 तक हमने प्रैक्टिकल्स कंप्लीट किए। इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।